सो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले कुछ इस तरह की गणेश चतुर्थी वाली फोटो एडिटिंग। गाइस गणेश चतुर्थी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना ठीक है। और इसके साथ वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी को दबा देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, तभी जो है आप ये वाली एडिटिंग कर पाओगे। तो गाइस सबसे पहले जो है आपको इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ओपन करना है। इस बैकग्राउंड को जो है मैंने खुद बनाया है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार, तो प्लीज़ लाइक कर देना। बैकग्राउंड कट करके क्या करना है, चले जाना यहाँ पर ऐड फोटो में एंड अपना मॉडल को और इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना ठीक है। एंड गाइस ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, ये दोनों को जो है एडजस्ट कर लेना आराम से, मतलब अच्छे से आपको यहाँ पर नीचे जो है सेट कर लेना है। और क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखना गाइस, तभी जो है आप ये वाली एडिटिंग कर पाओगे ठीक है। एंड मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ सेट करना है एंड ऊपर से डन कर देना ठीक है। डन करने के बाद आप यहाँ देखोगे कि अजीब लग रहा है, पर इसका चिंता मत करना गाइस, सिंपली चलना ऐड फोटो में एंड इस वाले पीएनजी को ऐड करना एंड ऐड करके कुछ इस तरह से बड़ा करके यहाँ नीचे जो है सेट करना है एंड सिंपली ऊपर से कर देना है डन। एंड गाइस देख सकते हो जो अजीब लग रहा था वो आप ठीक लग रहा है, सिंपली चले जाना अगेन नेट फोटो के अंदर एंड इस वाले टेक्स्ट पीएनजी को ऐड करके ऊपर यहाँ ऐड करना एंड सिंपली कर देना डन। चले जाना अगेन नेट फोटो के अंदर एंड ये दो वर्ड पीएनजी को ऐड करना एंड यहाँ ऊपर एक सेट कर लेना और ये वाला को पीछे तरफ सेट कर लेना, नहीं तो आप जहाँ चाहो वहाँ सेट कर सकते हो ठीक है। कहीं भी सेट करोगे तो ये अच्छा लगेगा ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे सेट कर लेता हूँ, आप अपने मुताबिक से कर लेना एंड सिंपली कर देना डन। डन करने के बाद क्या करने चलेंगे अगर नेट फोटो के अंदर एंड इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना एंड सिंपली चले जाना यहाँ पर ब्लेंड में और स्किन कर देना। उसके बाद इरेजर पर क्लिक करके जो फेस के सामने वाला पार्ट को आपको इरेज कर देना ठीक है एंड सिंपली कर देना ऊपर से डन। डन करने के बाद क्या करेंगे, चले जाएंगे यहाँ पर ड्रॉ टूल में और इस फोटो को मैं इधर से कर लेता हूँ सेव। इनके सेव करने के बाद इस फोटो को मैं ओपन कर लूँगा लाइट रूम एप्लीकेशन में एंड क्या करना है, सिंपली चले जाना है यहाँ पर सबसे पहले आपको लाइट वाले टूल के अंदर एंड यहाँ से बड़ा थोड़ा सा कम कर देना हाईलाइट, शेडो को बढ़ा लेना और शेडो को बढ़ाने के बाद व्हाइटनेस को क्या करना है, व्हाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना ठीक है। और ब्लैक्स को कम कर देना, ब्लैक्स को कम करने के बाद क्या करना है, चले जाना नीचे वाले टूल के अंदर यहाँ से वाइब्रेशन को बढ़ा लेना। उसके बाद क्या करना है, चले जाना ऊपर मिक्स टूल में सेकंड कलर को करना, सैचुरेशन कम करके लुमिनेशन बढ़ा देना एंड ग्रीन कलर पर आ जाना, ह्यू को बढ़ा देना, सैचुरेशन बढ़ा देना एंड सिंपली ऊपर सबको डन कर देना है। नीचे वाले टूल के अंदर आ जाना, क्लैरिटी को बढ़ा देना, उसके बाद क्या करना है नीचे बिगिनर को थोड़ा सा कम कर देना है एंड गाइस उसके बाद क्या करना है यहाँ से क्लैरिटी को थोड़ा सा कम करता हूँ एंड इस वाले टूल के अंदर आकर शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, नॉइस डिटेक्शन को बढ़ा लेंगे। एंड गाइस इतना करने के बाद देख तो हमारा फोटो जो है काफ़ी कूल एंड अमेजिंग लग रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एंड गाइस फोटो रेडी होने के बाद सिंपली क्या करना है, ऊपर आपको शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है, ऊपर यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी को दबा देना और गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कब से बोल रहा हूँ गाइस जाके फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस, और हाँ गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ठीक है।